हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फौजन की दुनिया में आपका स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ। तो आज आपको रेडी सही पता चल रहा होगा भाई, आई एम गोइंग टू ससुराल। तो फाइनली भाई मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरे पेपर में अभी गैप है एक दो दिन का, तो इसीलिए भाई मैं ससुराल जा रही हूँ। मम्मी जी देखो कैसे बैठी और मेरी बातें सुन रही है, गट गट पी रही है। तो भी मैंने डाला आज ये बेबी पिंक कलर का सूट जो कि बहुत ही प्यारा है। नीचे इसके है प्लाजो पैंट और इसका दुपट्टा भाई सबसे प्यारा है, जो कि देखो लेस वर्क के साथ है, साइड में लेस वर्क है, एक साइड दुपट्टा है, जो कि भाई बहुत प्यारा लगता है सजाने के बाद। हाँ, बाउंड्री है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। ये मेरे को गिफ्टेड सूट था मेरी शादी में, तो मेरे को स्टिच काफी टाइम से था भाई, करवाना है करवाना है, तो भाई ये करवाया मैंने स्टिच करवाया। तो भाई ये निक्की ने स्टिच करवाया, देखो कह रही है। तो भाई मैं आ नहीं पा रही थी ना, यहाँ पे रखा हुआ था स्टिच होके। तो भाई अभी निक्की खा रही है खाना, भिंडी की सब्जी, रोटी, और तो ये खा रही है। और मम्मी जी क्या कहना चाहोगे? मैं जा रही हूँ, आपका मन लग जाएगा कि फिर आ जाएगी आपका मन लग जाएगा मन का ना मन कहना बेरा लगता, मैं पिछली तोड़ी हूँ भाई। मम्मी जी कंफ्यूज रहा है, पिछली तोड़ी हूँ, कभी कोई आ रही है, कभी कोई जा रही है, कभी वो आ जाती है, कभी वो चली जाती है। एक दिन वो दिखती है, एक दिन वो दिखती है, एक दिन वो दिखती है, नहीं पता लग रहा कौन आ रहा है कौन भाई। हमारे फेस सेम से है, हमारे में ज्यादा डिफरेंस ना थी नु बैठा मैं उसका भी उसका भाई फोन आओगा, उसका मम्मी जी द्वारा फोन आओगा, मम्मी जी घर आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा भाई। परमिशन लेकर आया करे क्यों रे मेरा, मम्मी जी ने कहा कि तुम भी तीसरे दिन पड़ी रहो एड़ा के। तो भाई हमारे सुबह वर्कआउट कर का है भाई, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहा है। तो देखो मेरा बैग पैक हो गया है, मॉस्किटो नेट भी होगी। हाँ भाई, अपना आप निकल लेंगे थोड़ी बहुत देर में। तो भाई मम्मी जी तो फोन चलाने लग रही है। तो भाई मेरे ससुर जी है जो आईसीयू में थे, उनको भी छल्ले डले हैं, दो पहले डले थे, मतलब आज है कल 15 को डले हैं, शायद 14-15 को डले हैं, दो एक दिन डले हैं, दो एक दिन। तो भाई वो लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी कुछ उसकी वजह से। तो भाई अगर मैं हॉस्पिटल गई मिलने पापा जी से, नहीं तो शायद मम्मी जी जाएगी। अगर बाय द वे मैं गई तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, और हॉस्पिटल में भाई शूट करना भी आई थिंक कल होना हो, तो मैं आपको जैसा होगा तो बता दूंगी। हम निकल चुके हैं, अभी निकलन लग रही, मतलब पर्स टांग लिया भाई मैंने अपना, और चुन्नी वगैरह सर पर ले ली, भाई धूप हो रही है इस वजह से सर पर ली है। तो भाई दूध निकल गया हमारा, क्योंकि भाई मनमंद गैस पर रख दिया था। तो भाई मम्मी जी गैस पर रखने के बाद वो ध्यान नहीं रहे, हम वो इसलिए रखे थे क्यों भाई मैं जान लग रही थी, तो मम्मी जी फ़ोन पर बात कर रही थी, तो मैंने वही रख दिया था कि अब निकलो भाई मैं भी। पारस छोड़ का होगा भाई, बस टाइम तक पहुँचना, धूप तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना टाइम लगता है, इतनी धूप हो जाए। अभी वेट कर रहे हैं कि बस किस टाइम आएगी, और बस आएगी तब भाई अपना जाएंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गर्मी में कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखो भाई किस टाइम आएगी, गुआना वाले खड़े तो हैं काफ़ी देर से, देखते हैं भी। तो भाई ये खरकोदा बस स्टैंड, सारे बैठे हैं वेट कर रहे हैं अपना। ये निक्की खड़ी हुई, ये मेरी मॉस्किटो नेट। भाई अभी तो हमारा 9:15 का टाइम हो गया, कह रहे 1 घंटे की सर्विस है भाई, अभी तक तो बस आई नहीं, हम 8 बजे के बैठे हैं, अभी आएगी जब मैं आपको बताऊंगी कितने बजे आएंगी। 9:16 हो गए, देख लो निकी कहने लग रही है। और बस स्टैंड पे भाई सारे वेट कर रहे हैं, कोई गुआना की, कोई किसी, भाई रोहतक और सोनीपत की ज़्यादा सर्विस है, इधर गुआना की थोड़ी सी कम है। देखो मैं दिखाती हूँ, सारे खड़े हुए हैं, भीड़ इतनी हो रही है, देखो सभी वेट कर रहे हैं भाई बस का, आएगी हम तो कर ही रहे हैं भाई, हमारा तो कहना है क्या। देखो भाई किस टाइम आएगी बस, ये निक्की को मैं लेके जा रही हूँ भाई, निक्की ले जाया जा रहा है मुझे मैं आ गई गोहाना के बस स्टैंड पे, अभी हम उतरे हैं, अब हम ले होंगे भाई अपना ऑटो वगैरह। आगे वाले बस वाले कह रहे रोहतक आ जाओ रोहतक भाई, तो भाई बैठे बैठे इतनी देर होगी, इतनी लेट बस आई भाई, 8 बजे के बैठे थे, 10 के आसपास हमने बस मिली थी। तो भाई हम अपना ऑटो ऑटो देखे हैं,
भूख लगी है। देख ले भाई भूख लगी है इसने तो भाई, कुछ कुछ खा लेंगे, दूध जास पीऊंगे भाई गन्ने का, गर्मी ज्यादा हो रही है ना, और तो कुछ नहीं सोचते तो गन्ने का जूस पीवेंगे। गन्ने का पियोगे ना निकी? तो भाई गन्ने का जूस पीवेंगे। बस में भी हम बैठे हैं पानी पटवाली में, तो देखो इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, बाइक तो नहीं बनेगी इतनी नहीं बचती क्योंकि भाई भीड़ होती होती हो जाए फिर पर्स नहीं है नेट में फट पटा देगी किसे, देख लो भाई मेरी पानी की है। तो भाई अपना चला है घर पर होने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको, और भाई मेरी सास पता था कि आवेगी पर नहीं पता था आ जाओगी और किसके के लाओगी, मम्मी सास ने तो किसी का पता नहीं, उन्हें सरप्राइज दे। एक दा गई है पेस्ट लेने, मैं तो दिखी नहीं रही, चलो वेट कर लेते हैं, आई नहीं वो तो, एक दा गुम हो गई, ढूंढो कहाँ गई, वो आ गई, नहीं हुई एकता गुम, ये आ गई, कितनी खुश हो रही है इसे ना मेरी इंडा मिल गई, ये आ गई, ये आ गई, आ गया आ गया। मैं तो सच्ची तो गुम होगी, क्या क्या लाइए दिखा। हम आगे घर में नाली, शाम के तो कपड़े ना पहने भाई, गर्मी के पहने, निकी भी ना आ चुकी भाई, गर्मी के सूट पहनना है, तो भाई निकी मम्मी जी ने तो फोन कर दिया कि हम पहुँच गए, तो देखो भाई मेरा सामान रख क्या और क्या मेरा पर्स क्या, अभी देखो अभी भाई थोड़ी देर लेट है सोए हैं, फिर उसके बाद देखते कुछ खाने पीने का बनाऊँगी फिर खाए पियेंगे। अभी निकी कह रही है मेरे को देखा ऐसे कर रही है भाई, निकी का भूख लग रही है तो कुछ बनाती हूँ पहले, अभी देखते क्या बनाऊँगी। क्या कर दिया एक तो ये तो भाई निकी प्याज कर रही है कट, दूसरा ले ले तेरे निकल जा रहा है, ये बेकिंग पाउडर है क्या, निकी खराब हो रहा है ना, बेकिंग पाउडर नहीं है, ओके ठीक है कोई नहीं, आपको तो भाई निकी को भूख लगी थी, वैसे भाई भूख लगने का टाइम भी हो रहा है, दोपहर ही हो रही है, सारा करूँगी रुक देखिए मेरी रखी थी अंदर काम कर रही किसी जैसे का, अरे ये तो जमा पड़ा है बिल्कुल, तो और क्या रहना है ये कपड़ा भैया, तो गैस पे बिल्कुल जमा पड़ा है, चाय का जम गया कतरे कतरे
साड़ी तो नीचे टूटी हो गया पूरे सिलेक्ट करके। तो सोया सॉस वेज चिली सॉस ऊपर से डाल। क्या कर रही एकता? Thank you.
वो नहीं डला। सारी बातें कर देंगे Thank you.
गर्मी मांगा देखो पसीने में कभी बुरा हो जाएगा। ये कह रही थी ब्लैक स्नेक की सारी बात मेरी बात सारा किचन साफ कराया देखो बिल्कुल सारा इतनी चीटी घूमना भाई पूरे किचन में इतना बुरा हाल हो रहा था। ये सारा साफ कर बैठी हूँ बैठी थी भाई ग्रिल रह रही ग्रिल भी करूँगी सारा अच्छी साफ सफाई बेडशीट पर करनी बदलती दोबारा करूँगी। बहुत तेज़ भूख भाई रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी और हिम्मत के सब्जी भी बनानी पड़ेगी भाई साथ में और फिर टाइम भी ऐसा हो रहा है भाई ना तो रोटी खाने के तो इसलिए भाई इवनिंग स्नैक्स हैं तो यही खा लेंगे थोड़ी थोड़ी मम्मी जी भी छोड़ देंगे थोड़ी सी बना ली यही खा लेंगे भाई ये बची हुई थी पहले की थोड़ी सी रखी हुई थी इसलिए बना ली मैं करूँगी तो भाई हमने थोड़ी थोड़ी ले ली तो भाई ये रोड देखो टूटा हुआ है घुमाने का ये फरमाने से आगे निकलते ही बनने लग रहा है पता नहीं क्या होने लग रहा है। मैं तो बस में बैठी हूँ देखो निकी वीडियो बना रही हूँ यार देखो ये सारा खराब धूल मिट्टी इतना हो रहा है पर ये हो रहा है भाई अगर ये ठीक हो जाएगा फिर इतनी सुविधा भी है जितना दुख हो रहा है बस में भाई इतनी भीड़ थी एक बस आई भाई देखो कहते को आना की सर्विस एक एक घंटे में कहीं एक एक घंटे में नहीं है इतनी बुरा हाल हो गया था मेरा तो बिल्कुल ना भाई गोवाना की सर्विस बहुत ज़्यादा कम है क्या एक एक घंटे में है कोई एक एक घंटे में नहीं भाई मैं 8 बजे की बैठी हुई हूँ और ये तब जाके 9 बजे बस